सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। शिव को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र में अद्भुत प्रयोग बताए गए हैं। वैसे तो शिव जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अनेक औषधियों के द्वारा, याज्ञवल्क के द्वारा विभिन्न पद्धतियां बताई गई हैं जो शास्त्र में विद्यमान है। उन सब के द्वारा अभिषेक करने से अलग अलग मनोरथों को सिद्ध करने के लिए शास्त्र में उनके विधान बताए गए हैं। देखिए, संसार में विभिन्न लोग हैं, मुंडे मुंड मतिर भिन्ना, जैसे जितने लोग हैं उनकी उतनी आकांक्षाएँ हैं, और उन सबको प्राप्त करने के लिए, उन सब आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए शास्त्र में अमोघ विधियाँ बताई गई हैं। विजय कैसे प्राप्त हो, शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त हो, स्वास्थ्य लाभ कैसे हो, जीवन में धन की, बिना धन के तो कुछ काम होता नहीं, धन पुष्टि के लिए कैसे योग बने, संतान सुख कैसे प्राप्त हो, वो सब शिव की कृपा से प्राप्त हो सकते हैं। तो उसके लिए विभिन्न मार्ग बताए गए हैं। यदि शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और उनको लगातार आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कहा जाता है कि शत्रुओं को दमन करने के लिए भगवान शिव का जो अभिषेक खास तौर पर तेल के द्वारा, सरसों के तेल, कड़वे तेल के द्वारा करते हैं, शिव उन पर प्रसन्न होते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बनाते हैं। यदि घर में कुछ ना कुछ कारण से परेशानी चल रही है, अभाव चल रहा है, और आप लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में उस अभाव को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे आप उस अभाव को दूर कर सकते हैं? दूध के द्वारा। यदि दूध के द्वारा पुष्टिदायक योग बना सकते हैं, दूध का के द्वारा भगवान का अभिषेक करके आप जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यदि आप लगातार हार प्राप्त कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं हार आपकी होए चले जा रही है, तो विजया भांग के द्वारा भगवान का अभिषेक करने से आपके जीवन में विजय के अद्भुत योग बनते हैं। इसलिए उसको भांग को विजया कहा गया है कि विजय कल्प के द्वारा यदि भगवान का अभिषेक किया जाए, उनके विभिन्न मंत्रों के द्वारा, दृष्टाध्याय के द्वारा, तो संसार में विजय प्राप्त करने के अद्भुत योग बन जाते हैं। यदि आपके जीवन में आपको वाहन सुख प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करने के योग बनाने, तो कहा जाता है दही के द्वारा भगवान का अभिषेक कर लेने से जीवन में जो वाहन सुख, अनेक प्रकार के सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा योग बना सकते हैं आप। यदि आपके जीवन में कुछ अभाव है, यानी खासतौर पर आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानी चल रही है, तो कहा जाता है कि भस्मा अभिषेक करने से भगवान के से कल्याण के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। यदि जीवन में धन का अभाव है, तो उसके लिए एक मार्ग और बताया गया है, तो उसके लिए कहा जाता है कि सुगंधित द्रव्य के द्वारा भगवान का अभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था बनाएं। यदि कोई ऐसी मनोवांछित इच्छा है जो किसी भी कारण से पूरी नहीं हो रही है, तो इच्छू रस यानी गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करने से आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। इसी प्रकार से हजारों विधियाँ शास्त्र में विद्यमान हैं। आपकी मनोकामनाएँ कम पड़ सकती हैं, मन यानी जो इच्छाएं हैं वो कम पड़ सकती है, परंतु मार्ग जो भगवान को प्रसन्न करने के हैं वो शास्त्र में इतने हैं कि उसकी कोई भी सीमा नहीं है। इतनी औषधियां हैं, इतने विज्ञान के मार्ग हमारे शास्त्र में प्रशस्त किए गए हैं कि वो मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए आप उनको अपनाएं। सत्य है, शिव तत्व ही सत्य है, तो उनके मार्ग भी सत्य हैं, जो विधि शास्त्र में बताई गई हैं, और उनको पालन कर आप जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कोशिश करें, शिवरात्रि का महापर्व ऐसे ही ना गंवाएं। बड़ी मुश्किल से साल में एक बार शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का पर्व आपको मिलता है, तो जागिए, शिव की आराधना करें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके समक्ष कुछ रहस्य उपस्थित किए। आशा करते हैं कि आपके जीवन में कल्याणकारी सिद्ध होंगे, और आप एक काम और करें, इसको इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जिससे लोगों का ज्ञान वर्धन हो सके और आपके जीवन में पुण्यों का उदय हो सके। शास्त्र में कहा गया है कि यदि आप ज्ञान को बांटते हैं तो अपने पुण्यों का भी उदय करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और अपने जीवन में पुण्यों का उदय करेंगे। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।